नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम हिंदी में लागत लेखांकन या परिव्यय लेखांकन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इसे लागत लेखांकन के नाम से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सारे हेडिंग्स को पहले जान लेते हैं। पहला, परिचय। दूसरा, परिभाषा। तीसरा, लागत लेखांकन की क्या आवश्यकता है। चौथा, लागत लेखांकन के उद्देश्य एवं कार्य क्या हैं। पांचवा, लागत लेखांकन के लाभ क्या हैं और उनका महत्व क्या है। छठवां, एक आदर्श लेखा पद्धति क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। सातवां, लागत लेखांकन की पद्धतियां क्या हैं और कौन कौन सी हैं। और अंत में, लागत लेखांकन की क्या सीमाएं हैं और उसकी क्या कमियां हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय। लागत लेखांकन, जिसे हम परिव्यय लेखांकन भी कहते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो शब्दों लागत और लेखांकन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि लागत का लेखांकन करना। अर्थात व्यवसायिक कार्य प्रणाली में जो कुछ लग रहा है या जिसका प्रयोग हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उसका लेखांकन करना। उदाहरण, एक शर्ट को सिलने में दर्जी के द्वारा धागे, कपड़े, मशीन के साथ साथ अपने श्रम का भी लगाना। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में आने वाले, लगने वाले सामग्री, श्रम और व्यय का लेखा करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है, लागत लेखांकन कहलाता है। अब आते हैं परिभाषा पे। परिभाषा, लागत लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा की लागत की जाती है और अंततः उस पर यानी लागत पर नियंत्रण भी रखा जाता है। अब हम कुछ विद्वानों तथा संस्थाओं के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जानते हैं और समझते हैं। पहला, WW Big के अनुसार, लागत लेखांकन व्ययों का ऐसा विश्लेषण एवं वर्गीकरण है जिसके द्वारा उत्पादन की किसी भी विशेष इकाई की कुल लागत शुद्धतापूर्वक ज्ञात हो सके और साथ ही साथ यह भी ज्ञात हो सके कि यह कुल लागत किस प्रकार प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि लागत लेखांकन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, व्ययों का विश्लेषण किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, और उनको वर्गीकृत किया जाता है, यानी अलग किया जाता है, जिससे किसी भी वस्तु के उत्पादन में यानी किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उसकी प्रत्येक इकाई का लागत ज्ञात किया जाता है और साथ ही साथ ये भी ज्ञात किया जाता है कि जो भी हमारा लागत लगा है वो किस प्रकार से लगा है, यानी वस्तु के उत्पादन में किस प्रकार से हमने खर्च किया है। अब देखते हैं ICWA लंदन की परिभाषा। उस बिंदु से जिस पर व्यय हुआ है अथवा व्यय हुआ माना गया है, लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने तक की लागत का लेखा करने की प्रक्रिया को ही लागत लेखांकन कहते हैं। इसके व्यापक प्रयोग में सांख्यिकी, आंकड़ों का परिकलन, लागत नियंत्रण विधियों का प्रयोग तथा कार्यान्वित एवं नियोजित क्रियाओं की लाभदायकता का भी निर्धारण सम्मिलित होता है। अब हम देखते हैं कि लागत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई। जब कोई व्यापारी, कंपनी या कोई संस्था किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है तो वह विभिन्न प्रकार के लागत तत्वों जैसे सामग्री यानी मटेरियल, श्रम यानी लेबर तथा व्यय यानी एक्सपेंस का प्रयोग करती है निम्न वस्तु के उत्पादन में। हालांकि हर व्यावसायिक उपक्रम वित्तीय लेखांकन के द्वारा अपने व्यावसायिक स्थिति को आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के माध्यम से ज्ञात कर लेती है या जान लेती है, परंतु वस्तु या सेवा में लगे खर्चों का सही रूप से पता नहीं चल पाता और वे कंपनियां
उनका पता नहीं कर पाती, क्योंकि वास्तविक लागत का पता लगाना वित्तीय लेखांकन के नियमों एवं सिद्धांतों से बाहर है। अतः वास्तविक लागत का सटीक रूप से निर्धारण करने तथा उन पर नियंत्रण करने के लिए लागत लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं और कार्य क्या हैं। पहला है लागत निर्धारण, जिसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य निर्धारण करना, लागत नियंत्रण। अगर हम पता कर लेते हैं कि हमारा कितना लागत लग रहा है, तो अगली बार से हम बजट बना करके हम उस पर नियंत्रण कर लेते हैं कि हम अब अगली बार से कम लागत लगाएंगे और अच्छी वस्तु का भी निर्माण करेंगे। स्कंध मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कितने हमारे पास स्टॉक हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। योजनाएं एवं नीति निर्धारण के लिए, यदि हम लागत लेखांकन करते हैं तो उससे प्राप्त सूचनाओं से हम क्या करते हैं, अपने आगे के नीतियों का निर्धारण भी करते हैं। अब देखते हैं कि लागत लेखांकन के लाभ क्या हैं और उनका महत्व क्या है। जब किसी व्यवसाय में लागत लेखांकन प्रणाली अपनाई जाती है तो बहुत सारे लाभ विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रबंधक एवं उत्पादक को लाभ, कर्मचारी को लाभ, ऋणदाता एवं विनियोजक को लाभ, उपभोक्ता को लाभ, राष्ट्र व सरकार को लाभ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप क्या करेंगे, देख लेंगे और समझ जाएंगे। पहला है प्रबंधक व उत्पादक को लाभ, लागत का ज्ञान, उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करना, टेंडर मूल्य ज्ञात करना, तुलना में सहायक, लागत नियंत्रण में सहायक, लाभदायक एवं हानिकारक कार्यों का ज्ञान, लाभ में कमी व वृद्धि के कारण का ज्ञान करना, उत्पादन के साधनों का समुचित एवं सर्वोत्तम प्रयोग, वित्तीय लेखांकन के परिणामों की जांच करना, आयोजन व नीति निर्धारण में सहायक। तो ये इस प्रकार से अगर सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं किसी भी उत्पादक को या प्रबंधक को, तो ये काम वो कर सकता है, उसको ये लाभ होते हैं। दूसरा है कर्मचारी को लाभ, जो काम करने वाला है, जो ऑफिस में किसी कंपनी में किसी व्यवसाय में काम करने वाला है, उस कर्मचारी को क्या लाभ होते हैं। पहला है योग्यता अनुसार पारिश्रमिक, दूसरा है कुशलता में वृद्धि, तीसरा है कार्य करने में प्रेरणा, चौथा है योग्यता का निर्धारण। अगर हम क्या करेंगे, लागत लेखांकन लेके आएंगे और हम ये तय कर लेंगे कि कौन आदमी, कौन लेबर किस प्रकार से, कौन कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहा है, तो हम ये जांच कर पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता क्या है, कार्य करने की योग्यता क्या है। ऋणदाता एवं विनियोजकों को लाभ, इसमें पहला है लागत का सटीक पता चलना, लागत पर नियंत्रण, प्रेरणा, जोखिम लेने की उत्सुकता का बढ़ना। अगर किसी भी ऋणदाता एवं विनियोजक को लागत लेखांकन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं तो ये सब लाभ उनको होते हैं। चौथा है उपभोक्ता को लाभ, अच्छी किस्म की वस्तु एवं सेवा, सस्ती कीमत पर वस्तु एवं सेवा, उपभोक्ता संतुष्टि। इस प्रकार से ये सारे लाभ उपभोक्ता को होते हैं। सरकार व राष्ट्र को लाभ, देश का आर्थिक विकास, योजना निर्धारण में सहायक, बजट पर नियंत्रण, कर का निर्धारण, आंकड़ों का प्रयोग। तो ये सब लाभ थे कि किन किन लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से लाभ होते हैं लेखांकन करने से। यदि कोई कंपनी, कोई व्यवसाय या कोई उपक्रम लेखांकन पद्धति का प्रयोग करती है, तो अब हम देखते हैं कि एक आदर्श लेखा पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, सरलता होनी चाहिए उसमें। दूसरा, व्यवसायिक उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए लागत पद्धति। तीसरा, परिवर्तनशील होना चाहिए। चौथा, मितव्ययी होना चाहिए। पांचवा, तुलनात्मकता होनी चाहिए, यानी क्या करें, यानी हम उसकी तुलना अन्य लेखांकन के साधनों से कर सकें। छठा,
व्ययों का उचित वर्गीकरण एवं विश्लेषण। सातवां, कार्य विभाजन व दायित्व निर्धारण। आठवां, कार्य क्षमता व लागत पर नियंत्रण। नौवां, शीघ्र सूचना प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। दसवां, वित्तीय लेखांकन से मिलान, यानी हम अगर अपने व्यवसाय में कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उस कॉस्ट अकाउंटिंग का मैचिंग यानी मिलान अपने फिनेंशियल अकाउंटिंग से कर सकें, यानी वित्तीय लेखांकन से कर सकें। ऐसी हमारी एक आदर्श लेखा पद्धति होती है जिसपे हम क्या करते हैं, रिलायबल होते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लागत लेखांकन की कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग हम अपने व्यवसाय में करते हैं। पहला, इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धति, जिसे हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा, ठेका लागत या उपकार्य लागत पद्धति। तीसरा, प्रक्रिया लागत पद्धति यानी प्रोसेस कॉस्टिंग। चौथा, समूह लागत पद्धति बैच कॉस्टिंग। पांचवा, परिचालन लागत पद्धति ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। छठवां है विभागीय लागत पद्धति डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। सातवां है सीमांत लागत पद्धति मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। और आठवां है प्रमाप लागत पद्धति स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो ये हमारे क्या हैं, मेथड यानी पद्धतियां हैं क्या करने के लिए, लागत लेखांकन करने के लिए, जिनका प्रयोग करके हम लागत लेखांकन को करते हैं। और अंत में हम जानते हैं कि लागत लेखांकन की क्या सीमाएं हैं और कौन कौन सी कमियां हैं। पहला, खर्चीली पद्धति। दूसरा, गलतियों की संभावना। तीसरा, समय की बर्बादी होती है। चौथा, आंकड़ों का मिलान करना, यानी इसके आंकड़े वित्तीय लेखांकन से क्या करने पड़ते हैं, मिलान करने पड़ते हैं। पांचवा, दो अलग अलग पद्धतियों के खाते बनाना, यानी लागत एवं वित्तीय लेखांकन। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपके पास और भी प्रश्न हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, या तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है और लागत लेखांकन एवं प्रबंधकीय लेखांकन में क्या अंतर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।